अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा और पीस मसाला। साउथ इंडियन स्टाइल में पीस मसाला बनाएंगे और लच्छा पराठा हमारे घर के स्टाइल का। चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दो रेसिपीज एक साथ है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब हम 700 ग्राम व्हीट फ्लोर लेंगे और 300 ग्राम इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। इसके लिए हमें 2 टेबल स्पून ऑयल, 3 टेबल स्पून दूध, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून शुगर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा हमें चाहिए, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और पानी हमें एज रिक्वायर्ड हमें होगा। चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें हम इंग्रेडिएंट्स जो हैं आटे में सारे डाल देंगे। दूध भी डाल दिया और चीनी भी अब इसमें ऐड करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अच्छे से हाथों से मल लेंगे ताकि सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये 1 किलो मैंने आटा दोनों मिला के बना था, जिसके लिए मेरा तकरीबन 400 ml मैंने इसमें पानी यूज़ किया है। रेगुलर रोटी के आटे से थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत हमें लगेगी पराठे बनाने वाले आटे पे, लेकिन जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, उतने ही हमारे पराठे क्रिस्पी बनेंगे। जितनी भी एयर है इस तरह आटे में से निकल जाएगी और आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट आपके पास गूंदा हुआ मिलेगा। आटा हमारा रेडी है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसे कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। अब उसी बर्तन में मैं इसको किचन टावल के साथ थोड़ा सा, आप हल्का सा गीला कर ले किचन टावल को, और इसको जो है 30 मिनट्स के लिए हमने रखा था कवर करके। आप देख सकते हैं आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है। एक दफ़ा इसको फिर से पंच करेंगे और अब इसको 2 पोर्शन में कट कर लेंगे। अब इसको मीडियम साइज से थोड़े से बड़े हम पेड़े बनाएंगे। मैं इसके 5 पेड़े बनाऊंगी और बाकी आटे को उसी तरह एज इट इज़ हम कवर करके रख देंगे ताकि उसको में एयर ना जाए। अब पीस मसाला बनाने के लिए 2 फाइनली चॉप प्याज, 3 हरी मिर्चें फाइनली चॉप, 2 अदर टमाटर फाइनली चॉप, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 200 ग्राम मेरे पास मटर है। अब मसालों में हमें चाहिए मस्टर्ड सीड यानी राई के दाने, कुछ लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल धनिया पाउडर, नमक 1/2 टेबलस्पून लिया है मैंने, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर और थोड़े कड़ी पत्ते। अब एक कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसमें हम राई के दाने डाल देंगे, साथ ही कड़ी पत्ते थोड़े से डालेंगे, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और अब अपना प्याज हम स्ट्रेट अवे इसमें डाल देंगे और प्याज को हम जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा गोल्डन हो गया प्याज। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सौते करेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को हमने तब तक फ्राई करना जब तक टेंडर ना हो जाए, नरम ना पड़ जाए। अब हमारा टमाटर टेंडर हो गया, अब इसमें सारे मसाले हम ऐड कर देंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना और अच्छे से भून लेंगे। भुनाई के साथ साथ हमें इसको मैश भी कर लेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम मटर ऐड कर देंगे और इसे भी मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 कप से 1 ग्लास के बीच में आप पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको थिक चाहिए उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं ताकि मटर भी गल जाए और आपके पास ग्रेवी भी डिज़ायर्ड ग्रेवी रेडी हो जाए। अब 10 मिनट्स के लिए इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए 10 मिनट्स के बाद हमारा पीस मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसको एज इट इज़ साउथ इंडियन टच देने के लिए थोड़े से टमाटर को जो है रफली चॉप करके फ्राई करके इसके ऊपर डाल दें। ग्रेवी रेडी है, इसे हम बाद में सर्व करेंगे। अब हम पराठे बना लेंगे जो पेड़े हमने रखे थे। अब उन पर हल्का सा ऑयल लगा के हम इनको साइड में कवर करके किचन टावल से रख देंगे।
अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा लगाएंगे, मैदा यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसे अच्छे से हम जितना मैक्सिमम हम फैला सकते हैं रोटी को उतना फैला लेंगे। अब इस पे घी लगा के 1 चम्मच और 1 टेबल स्पून ही हम इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करेंगे। मैदा स्प्रिंकल इसलिए किया जाता है ताकि इसके लेयर्स अच्छे से बने। अब हम इसको, ये फर्स्ट मेथड है कि हम इसको इस तरह फोल्डिंग करेंगे। सभी को पता है कि जैसे स्कूल्स में बचपन में सभी फैंस बनाते थे, ये सेम वैसा ही है। यहाँ आप कपड़ों में फ्लीट्स डालते हैं, साड़ी में, और जो कपड़ों में प्लेट्स डाले जाते हैं, तो ये सेम है, वैसा ही प्रोसीजर है। अब इसको रोल कर लेंगे और ट्विस्ट, थोड़ा सा स्ट्रेच करके ट्विस्ट करके नीचे की तरफ बंद कर देंगे। एक ड्रॉप ऑयल हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पेड़ा जो है वो ड्राई ना हो हवा से। अब ये दूसरा मेथड करेंगे, उसी तरह रोटी फैला के इक्वल साइज में हम गैप देके स्टैंडिंग लाइंस की तरह कट कर लेंगे। ये दोनों सबसे इजी और सबसे बेसिक मेथड्स है पराठा बनाने के। अब इस तरह एक एक करके हम रोल करते जाएंगे। पहले हम साइड्स की छोटी वाली शीट्स को कवर करेंगे, और सेंटर में सबसे लेंथ में लंबी होती है तो उसको सबसे लास्ट में हम करेंगे। इस हमने सारा रोल करके एंड में ट्विस्ट करके लॉक कर दे। इस पे भी थोड़ा सा ऑयल और घी जो हमने बना के रखा हुआ मिक्स करके वो लगा के इसी तरह सारे पेड़े हम बना लेंगे। दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, अब आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इसको बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और अब अपने फर्स्ट पराठा हम बेल लेंगे। आपने इसको बहुत हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा फोर्स नहीं और वेट नहीं डालना, वरना इसकी जो लेयर्स बनी हैं वो सारी जो है ख़त्म हो जाएंगी। अब स्टैंडर्ड साइज़ का हम पराठा बना लेंगे। इसको बहुत पतला नहीं करना वरना पराठे की जो शेप है वो ख़त्म हो जाएगी। अब गरम तवे पे हम इसको डाल देंगे। आप इस तरह का फ्लैट तवा भी यूज़ कर सकते हैं और रोटी वाला जो कर्व वाला तवा है वो भी। अब एक तरफ से बबल आ गए हैं, अब हम इसका साइड चेंज करेंगे और इस पे ऑयल घी जो हमने मिक्स करके रखा है उससे ब्रश कर लेंगे, साइड्स पे भी डाल लेंगे। अब फ्लिप करेंगे इसे, आप देख सकते हैं कि इसके लेयर्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छे से एक नाइस कलर आने तक हम इसको पका लेंगे। पराठा हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं इसके लेयर्स कैसे ऊपर से फ्लेकी होके आ रहे हैं। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और पहले हम आपको इसको दिखाएंगे कि ये कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची लगेगा आपको। ये देखें, ये गरम गरम है थोड़ा, ये देखिए आप इसके क्रिस्पीनेस देख सकते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा पेड़ा भी है वो बेल लेंगे। सेम मेथड हमने फॉलो करना है और इसे अब मैं रोटी पकाने वाले तवे पे डाल दूंगी। जब एक साइड से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो हम एज इट इज इसमें ऑयल डालेंगे, स्प्रेड कर देंगे और इसको अब फ्लिप कर देंगे। अब दूसरे साइड पे भी हम ऑयल डाल लेंगे। पराठे में घी ऑयल आप थोड़ा सा उसको पकने के बाद डालें, तभी वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के आपके सामने अच्छे से अंदर से पका हुआ मिलेगा। पहले ऑयल मत डालें। ये देखें, ज़बरदस्त सा ये पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह आपने सारे पराठे रेडी कर लेने। आप इसकी शक्ल पे ही आप इसके लेयर्स चेक कर सकते हैं। ये गरम है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही, आप इसको देख सकते हैं कि इसके कितने लेयर्स बने हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी है खाने में जब आप इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब इसी तरह हम सारे अपने पराठे बना लेंगे। चले अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए, गर्मा गर्म लच्छा पराठा और पीस मसाला हमारा रेडी है। आप इसे डिनर या लंच में सर्व करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।